हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ सनशाइन ऑफ माई लाइफ एपिसोड 9 की। तो हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे फी का भाई और टैंक की बहन दोनों लोग ड्रंक किए हुए होते हैं, और उसका भाई उसे अपने रूम लेके आता है और बोलता है यहाँ पे काफ़ी भूख लग रही है। यहाँ पे टैंक की बहन भी बोलती है मुझे भी। तो यहाँ पे फी का भाई बहुत ही टेस्टी टेस्टी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्रेंड खाना बना रहा होता है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अभी तक तो इजहार नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत जल्दी कर देंगे। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रही होती कि इतना जल्दी इतना टेस्टी खाना वैसे ये है क्या। तो बोलता है ये चिकन सैलेड है जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और सच में बोलती है बहुत टेस्टी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पर फी आ जाती है पेरिस अपने स्कूल में जो उसका ड्रीम था उसे पूरा करने के लिए, और साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। तो वो अपना साइकिल से आ रही होती है तो यहाँ पे देखती है कि टैंक का कलीग बोलती है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि एक सेकंड बॉस मिलना चाह रहे। तो यहाँ पे एकदम शॉक में चली जाती है कि बॉस यानी कि चाइना से उतनी दूर पेरिस आया और मुझे बताया था कहीं। तो यहाँ पर टैंक आता है और यहाँ पर देखती है फी उसे खड़ी होके, यहाँ पे वो भी उसे देखता है और दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। तो बोलती है कि तुम इतनी दूर से यहाँ क्यों आए अपनी जॉब को छोड़ के। तो बोलता है यहाँ पे टैंक कि मुझे आना पड़ा, मैं कल जा रहा हूँ चाइना। और इसे कुछ समझ नहीं आता है फ्रेंड कि आ भी रहा और जा भी रहा है इतनी जल्दी। तो यहाँ पर बोलता है टैंक कि मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ। तो यहाँ पर बोलती है कि क्या हुआ क्या बात है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फैंग को लेके। टैंक को लगता था कि फैंग और फी का दोनों का रिलेशनशिप है, और फी को लगता है कि टैंक और जी का वो दोनों का रिलेशनशिप है। तो बोलता है यहाँ पे कि मैं जानता हूँ फैंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कि उसके दिल में क्या है नहीं है, तो प्लीज़ तो इन सब चीज़ों से थोड़ा तुम दूर रह। और जानता हूँ यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सब कुछ मुश्किल होगी, इतनी आसानी तो होगी नहीं। तो यहाँ पे फी के आँख में आंसू आता है। तो बोलती है कि तुम उतनी दूर से सिर्फ यही जताने के लिए आए हो कि मेरा क्या रिलेशनशिप है किसके साथ और नहीं है, बस यही चीज़ तुम्हें डिस्कस करना था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ ये चीज़ है और कुछ और भी बातें हैं। तो यहाँ पे बोलता है टैंक कि मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें जो लगता है कि जी के साथ मेरा रिलेशनशिप है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, एज लाइक वो मेरी गुड फ्रेंड शुरू से रही है इसलिए। तो यहाँ पे बोलती है फिर प्रेसिडेंट टैंक हु आर यू टू आस्क मी, जो आप यहाँ बोलना है प्लीज़ वो मुझे सुनना है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। और हाँ मैं आपको एक चीज़ कर दूँ क्लियर कि ये ट्रू नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप फैंग के साथ है जो आपको लग रहा था उतने दिनों से, या जो भी आपको गलत फहमी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे वो देखता है टैंग फी को और फ्रेंड देखते ही देखते फाइनली यहाँ पे फर्स्ट किस होती है उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे टैंक का कलीग काफ़ी एक्साइटेड होता है कि फाइनली अब सर ने अपने दिल की बात कह ही डाली। और यहाँ पे फी को कुछ समझ नहीं आता है, बोलता है कि ठीक है मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फ्रेंड वहाँ से वो चला जाता है, यहाँ पर वो खड़ी होकर देख रही होती है। फिर वो आती है अपने स्कूल, यहाँ पे रहती है, उसकी टीचर बोलती है फी तुम आ गई वापस यहाँ पे, काफ़ी खुश हो रही होती है। तो बोलती है यहाँ पे तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, वेल डन, ऐसे ही काम करती रहो। तो यहाँ पे बोलती है यस मैम। और यहाँ पे टैंक वापस आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता और फी की बातें सुन रहा होता है जो हमेशा वो रिकॉर्डिंग करती थी, और वो अपने एयरफोन लगा के सुन रहा होता है। यहाँ पे फी उसको बता रही थी वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे वो स्माइल कर रहा होता है चुपके चुपके, जो उसने पहले की बातें सब उसे याद आती है। और सडनली वहाँ पे उसकी बहन आती है, कहती है अरे भाई तुम ब्लशिंग कर रहे हो, क्या बात है, ये सब कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है। यहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ पे दोनों लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फ्रेंड टैंग अपने काम में बिजी होता है, यहाँ पे विशिंग वाटर के पास आती है, फिर विश मांगती है अपने जॉब के लिए, अच्छी सी के लिए। उसके बाद दोनों लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, टैंग और उसकी कलीग जी। तो बोलती है ये वेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये देख लो, ये आउटफिट के लिए कन्फ्रेंस करना है, कैसे क्या करना है नहीं करना, इसमें कुछ पॉलिसी चेंज करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहने दो, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे उसके कंपनी में कुछ इशू हो जाते हैं फ्रेंड, जो कि बोलता है यहाँ पे टैंक, इट्स डिफ़िकल्ट बट इट डज़ नॉट मीन इन इम्पॉसिबल, आई बात समझ में जी इन एनी हॉ, ये चीज़ हम लोगों को पूरा करना है वो भी इमिडिएटली, ठीक है ना, परफॉर्मेंस होने में ज़्यादा देर नहीं है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, यहाँ पे फिर तैयार हो रही होती है अपना, सडनली वहाँ पे कॉल आता है, तो यहाँ पे जी कॉल करती है, तो यहाँ पे जी से वो बात नहीं करना चाहती है क्योंकि जी ने काफ़ी ऊटपटांग ये चीज़ें फी को बोली थी टैंक के लिए और बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। तो बोलती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो बोलती है हाँ बोलो मैं सुन रही हूँ। तो बोलती है कि यहाँ पे पिंग्यून कंपनी में कुछ इशू हो गए हैं। तो ये बोलती है इशू हो गए हैं, तुम कहना क्या चाह रही हो? तो बोलती है हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गए और टैंग भी काफ़ी परेशान है, जो तुम्हें मना किया था नहीं बताने के लिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, उसकी टेंशन वाली हालात देखकर तो सोचा मैंने एक बार तुम्हें बता दूँ, तो प्लीज़ उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। वो बोलती है कि अगर तुम हेल्प कर सकती हो मिंगून कंपनी के लिए तो प्लीज़ हेल्प करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे फी अपना काम कर रही होती है, जो पार्ट टाइम जॉब करती थी, अभी सडनली वहाँ फ्रैंग आता है। तो बोलती है यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ कुछ खाने के लिए, रेस्टोरेंट है तो बता दूँ यहाँ रेस्टोरेंट में खाना मिलता है। तो बोलती है फिर जल्दी बोलो, ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है, ठीक है ना, मेरे पास टाइम नहीं फालतू की बात सुनने के लिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। फिर वो अपना जा रही होती, तो यहाँ पे फैंग भी जा रहा होता है, तो अपने बारे में बता रहा होता है, मुझे पता है कि एक सक्सेसफुल कैरियर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे आना वहाँ पे रहना बहुत चीज़ें हैं, मैंने सारा चीज़ें झेला है और मुझे पता है इतना आसान नहीं होगा, पेरिस स्कूल में जॉब लेना तो ये चीज़ तुम्हारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगी। वो उससे बातें कर रहा होता है, यहाँ पे फिर कुछ नहीं बोल रही होती, चुपचाप से सुन रही होती है उसकी बातें। तो बोलता है यहाँ पे फैंग, अगर तुम मेरे लिए चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो तो शायद तुम्हारे लिए हर एक चीज़ मुमकिन से नामुमकिन हो जाए। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कि ठीक है काफ़ी लेट हो गई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।